बहुत पीसेस बढ़िया एकदम धमाकेदार रख दीजिए। आ चुके हैं हम आतिफ। सब्सक्राइब करिए अकबर को। तो यहाँ पे हमारा फालूदा है, बहुत जबरदस्त मदीना होटल है जो सामने है आपका राजा गरीब नमाज होटल, जहाँ से हम लेने वाले हैं अपने शहरी के लिए बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? तो चिकन बिरयानी है, 4 हाफ पैक कर दीजिए बस। हमारे होली भाई जो कि बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाते, मज़ेदार। तो आज चूँकि शहरी का इंतज़ाम हमारी तरफ से ऑफिस में, तो हम ले रहे हैं, और भी हमने बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। तो अभी हम ले रहे हैं 4 चिकन बिरयानी, बहुत पीसेस बढ़िया एकदम धमाकेदार रख दीजिए, ऑफिस वाले खा के एकदम हमारे जो है तो मंत्रमुग्ध हो जाए। और सब बढ़िया यार, मार जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी पैक हो रही है, और यहाँ पे आपके कबाब पराठे भी है, और बेहतरीन बहुत लजीज मिलते हैं, और 5 रुपए का बहुत एकदम मज़ेदार। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पराठे, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शीरमाल बनता है, और ये देखिए बेहतरीन ताज़ा शीरमाल, 14 रुपए का एक शीरमाल है, जो कि बड़ा लजीज। शीरमाल के साथ आप कबाब भी खा सकते हैं, रोल की तरह भी खा सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये बन रहा है कुलचा, और निहारी का इंतज़ाम उधर है, धनिया रोटी भी, तो सारी चीज़ें हैं। कितना हुआ? शुक्रिया भाई, हमने शहरी की सारी तैयारी कर ली है, शहरी के लिए हमने पूरा इंतजाम ले लिया है, और हमने अपनी बुक कर दी है रैपिडो। तो बस रैपिडो वाले भैया आ रहे हैं, उसके बाद हम सीधे निकलेंगे एडोरो की तरह। अच्छा, रैपिडो वाले भैया भी आ गए हैं, और ये थैंक यू दद्दू। दद्दू ने हमारा बैग यहाँ पर रखा था, बिकॉज अब हम वेट कर रहे थे रैपिडो वाले भैया का, इसमें सारा सारी का सामान है, वो काफ़ी भारी हो गया है। ये भैया ट्रैफिक जाम है वैसे, ये लो किस्मत अच्छी थी, हमारी लाइट भी ओपन हो गई। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा। एंड गाइस, ये है हमारा हजरतगंज चौराहा, जिसे हम कहते हैं द हर्ट ऑफ लखनऊ। ना तू बन सका ना बना सका वो ना। ये हो गया हमारा शहरी का, ये हमारा माजा है, ये हमारे अंगूर है, ये सेब है, ये केला है, और बिरयानी। तो मिलते हैं हम सीधे शहरी में। तो अस्सलाम वालेकुम, हो गया है शहरी का वक्त। ये हमारे लकी भैया जो तैयारी कर रहे हैं, बन रही है हमारी बहुत बेहतरीन चाय। माशाल्लाह से सारे लोग आ चुके हैं, हम आतिफ इधर परीन एंड सारा। वह बहुत गोरे, अरे कौन सी क्रीम लगा के आए गोरे भाई? नहीं तुम क्रीम लगा के आए भाई, तो हम हुए थे डोरू के पेशे माम हमारे मजबूत भाई। इतनी पुरानी कंपनी है क्या? हाँ लवली, इतनी पुरानी कंपनी। हाँ जितने पुराने आप उतनी पुरानी है। रायता दीजिए, रायता, रायता भी है मैडम को, रायता भी चाहिए। दही लिया तो यहीं बना लेते रहता जी। बिरयानी सर अच्छा, आप फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है क्यों नहीं दे। खाने में कैसी है? अच्छी बिरयानी मैडम जी, कैसी है? गर्मी लगा रही, पंखा चलाओ। आतिफ भाई कैसी है? एक नंबर। आप कल जुमा है कल, और दुआ करिएगा कि हम अल्लाह पाक दोबारा से रमज़ान नसीब करे, और हमारे रोज़े कबूल हों। जिसने भी और सबने इबादत करी है, इबादत कबूल कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शहरी हो गई है, और सलाम को जुमा का वक्त हो चुका है, और हम जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने जुमा की। देखते हैं कि आज जो अलविदा जुमा के दिन मस्जिद का क्या माहौल है। माशाल्लाह, आज भीड़ देखिए आप।
तो माशाल्लाह से जुमे की नमाज हो गई है और असर की भी नमाज में जस्ट अभी पढ़ के आया हूँ और अभी हम निकल रहे हैं आपका इफ्तारी का इंतज़ाम करने। तो भाई ये जो हमारा व्लॉग है ये हमारा इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी व्लॉग है, भरपूर प्यार दीजिए जितना आपने पिछले वाले व्लॉग्स में दिया है। और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो सबसे करके आरो सब्सक्राइब कर लो। और आपको भाई इंस्टाग्राम पे भी नीचे आईडी रही अकबर अहमद 83, तो बहुत अच्छी रील्स और पोस्ट में वहाँ पर डालते रहता हूँ। इधर रौनक है और ये देखिए इधर रौनक है, हम शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी और अगर आपको बहुत जबरदस्त, कल मैं अपने ऑफिस से लेके गया था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गर्मा गर्म पकौड़ियाँ निकलती हुई और सब खैरियत और अस्सलाम वालेकुम, सब बढ़िया। और सब बढ़िया तो ये कैसे दिए मिर्चे? 40 का 250। तो मिर्चा है, समोसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये दो दिन और मिलेंगी आपको 30 रमज़ान तक, उसके बाद में सिर्फ आपको समोसे पकौड़ी और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये जो अफ्तारी वाली रौनक है शायद ये कहीं ना कहीं नहीं रहेगी। हमारे बीच से जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अच्छा मुबारक महीना चला जा रहा है, सो तो होएगा। चलिए नहीं, मुबारक महीना, 11 महीने ऐसे एक महीना इबादत के लिए जा रहा है, वो पूरा तो लगेगा। बिल्कुल। और खैरियत? नहीं भाई बढ़िया। तो हमें आप पकौड़ी दे दीजिए और ये दे दीजिए, ये हमारी फेवरेट। और घर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बस बस परसों निकल जाएंगे। लखनऊ में 20 की मिलेगी और 3 पकौड़ियाँ होंगी, 5 देखिए 10 की और 5 कलौड़ियाँ हैं ये। और ये बहुत अच्छा दही, बहुत अच्छा, अम्मी को हमारे बड़ा पसंद है ये। और यहाँ पे मीठे समोसे भी हैं और ये कुछ अलग सी चीज़ है। तो हमारा ये रेडी हो गया है। शुक्रिया भाई। अच्छा नींबू है, कैसे दिए? 15 रुपये। 15 के 2? 10 के 2 दीजिए बेटा। चलिए ये हमारा एक नींबू आ गया, शुक्रिया। बाकी ईद के कुर्ते के अगर आपको व्लॉग देखने हैं तो ऊपर देखिए, नीचे आपको आई बटन पे दिख रहा है। अनवार कलेक्शन के भी बहुत नए स्टॉक हैं तो वो भी जाके देखें हमारे चैनल पे। और बाकी यार बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो विच इज़ टू बैड। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी हमारे कॉन्टेंट आपको लगते कैसे मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और सब खैरियत? बहुत बढ़िया। बस अलविदा जी, आपको मुबारक हो। बहुत आपको भी मुबारक। शुक्रिया भाई। सामने आपका जो भीड़ देख रहे हैं ये मखदूम का होटल है, यहाँ पे भी रमज़ान की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से हैं? अलविदा जुम्मा मुबारक आपको, बहुत बहुत। और कैसे सब? बढ़िया बढ़िया अलहमदुलिल्लाह भाई, आप बताएं। बस अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? सच्चा चलिए बहुत बढ़िया। वो है बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे दुआओं में याद रखिए। ये हमारे हैं और बेहतरीन आपके यहाँ पे ताज़ा तरीन जूस और दूध सारी चीज़ें मिलती है। तो मिक्स कॉफी का ना दो दे दीजिए। मेरा ये अनार हो गया और हमारी अम्मी का हो गया आपका मिक्स। ओहो यहाँ पे हमारा सीजन का जो पहला आम है वो आ चुका है। आम कैसे दिए भैया? 100 रुपये लग जाएगा और ये आपका जूस के लिए और शेक के लिए बहुत बेहतरीन आम है। आज वो तरबूज नहीं है क्या? कौन सा भाई? ये वाला 2 पीस बचे हैं। नहीं 2 पीस से नहीं चाहिए। फिर ये कैसे दिए? पपीता 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो पपीता, देखते भाई है, तय हुआ है कि भाई एक पपीता कटाएंगे और आधा भाई लेंगे आधा, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं है और भी ज्यादा नहीं। हम भाई ये तोल लेंगे अभी कितना कितना है और देखते हैं, वैसे कोशिश करिए कि लान निकले। वाह देखिए माशाल्लाह ना, मुझे ये वाले जो है ना इनका बक्कल जो है ना बहुत कच्चा निकलता है। 12 पपीते आगे मीठे आगे मीठे 30 रुपये किलो। हाँ दोस्तों, तरबूज तो ज्यादा मुझे मार्केट में दिख नहीं रहे हैं, उधर देखे शायद उधर लगे हों। कैसे दिए तरबूज? सही है, सही है, हैं? सही है। ये हाँ बिना टाके, बड़ी टाके लगाना, बच्चा टाके नहीं लगाना। सुबह तरबूज आपका 2 कटे लेकिन दोनों सही नहीं निकले, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम काला वाला तरबूज लेंगे, ये हरा वाला जो है वो नहीं देंगे। तरबूजा कैसे दिए?
सवा दो किलो है ये बालू शाही है। हाँ दे दो बालू शाही। तो भाई हमने सारा आइटम ले लिया जो जो हमें चाहिए था, और अभी हम चल रहे हैं, हमें बर्फ़ लेनी है और वहाँ से पकौड़ी वगैरह उठाना है तो वो उठाएंगे। और ये देखिए कितना छोटा तरबूज है। ककड़ी कैसे दी भाई? 25 10 की 4 दो यार। मसला सलाम अलैकुम खैरियत? 10 की बर्फ़ दे दीजिएगा। ये हमारी हो गई बर्फ, ये हमारे भाई और ये बर्फ। सबर करो सबर करो। ये निकल आई पूरी बर्फ। तो ये पूरा सामान हो गया जो कि बहुत भारी हो गया है, उठने रहा बिल्कुल भी। और अब सीधे हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो हम आ गए घर पे और ये सारे फ्रूट्स हैं यहाँ। सो गाइस इफ्तार की तैयारी पूरी हो गई। ये है आपका चिमड़ी और ये है आपका अम्मी के लिए सेब और आपका साथ हमारी ककड़ी। ये है अम्मी का पपीता। ये हमारी बाहर की पकौड़ी क्योंकि भाई है ने तो हमने इसलिए ज़्यादा सामान नहीं बनाया है। ये हमारा तरबूज और माशाल्लाह सारे कुरान बख्श दी है। तो ये जलेबी और ये हमारा और अम्मी का जूस और ये है आपका इसमें आपका रूह अफ़ज़ा सबसे पसंदीदा मेरा फेवरेट है हमेशा के। और यहाँ पे हमारी मट्ठा फ्लोरी। ये है हमारी मोदा वाली घर की चिप्स हैं और ये नॉर्मल चिप्स हैं। और ये हमारी माशाल्लाह से अम्मी। अम्मी आज अलविदा जुमा है, आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। हाँ। और रमज़ान आज हमसे जुदा हो जाएगा। हाँ, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सब धीरे धीरे हम सबसे के हाथ से रमज़ान शरीफ निकल गए। अल्लाह पाक सबको मुबारक हो, अगली साल भी सब कोई मिल के सहरी करें, रोज़ा अफ्तार करें और सारी उम्मती मोहम्मदी को सब की जान माल की हिफाजत करें। अल्लाह पाक सब अकबर की कमाई में बरकत दे और सबकी जय दुआ कुछ। बिल्कुल, तो माशाल्लाह से सारी तैयारी हो गई है। अजान होने वाली है तो बस अजान हो जाए, हम भी इफ्तार करते हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो माशाल्लाह से इफ्तारी हो गई है और रोज़ा भी खुल गया है और ये रमज़ान का मेरा आखिरी व्लॉग है। वह सीधा आपको आएगा, या तो ईद का व्लॉग आएगा या चांद रात का आएगा या लखनऊ रमोदा आएगा, कोई भी आएगा। वो मुझे अभी नहीं पता कि मैं कौन सा शूट करने वाला हूँ। तो बस हो गया है ये हमारा कुछ कल शाम से लेकर यानी कि सहरी से लेकर के आज तक पूरा इफ्तार तक का व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए अकबर को, लाइक करिए और दुआ कीजिए अकबर के सब कोई मिल के अकबर नाम रोशन करे। और अकबर ने हमें, हम पहले रोज़ा को आए थे नखलऊ, एक महीना अकबर ने मेरे बहुत सामान डाला, मुझे बहुत खिलाया पिलाया और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं दोनों बच्चों से बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रखते हैं मुझे। बेटियाँ तो मेरे अपने अपने घर चली गई, बच्चे दोनों मेरे पास हैं। इंशाल्लाह उनकी उम्र दराज करे, नेक बना, इस्तकामत अता करे, नबी की सुन्नत में चलने वाला बना दे, सब बच्चों को बना दे, सबको नेक बना दे, सबको अल्लाह पाक बेरोजगार को रोजी अता फरमा दे, जो बीमार शिफा दे। हम सब मुसलमान का बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत नसीब हो। सबका ये रमज़ान मुबारक, अलविदा जुमा, हम सब माँ बहनों बेटियों को सबको मुबारक हो। भाई नबी के सारे उम्मत मोहम्मदी सबको मुबारक हो। 11 महीना हम खाते हैं पीते हैं, एक महीना के लिए अल्लाह पाक ने मानियत कर दी है, लेकिन इंसान बहुत कम रोजा रखता है, बहुत ज्यादा बहुत कम इबादत करता है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की, जिनके छूट गए या नहीं रख पाए तो जिंदगी नहीं। तो नेक्स्ट साल जिसको भी मिले ये मुबारक महीना, जिसको भी मिले नबी की उम्मती को सबको रोजा रखना चाहिए और बिल्कुल फर्ज अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने कहा कि ये मेरी उम्मत का महीना है। बिल्कुल, तो बस ये कुछ था, दुआओं में आमीन कहिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, इंस्टा पे आपका भाई ये नीचे रही आईडी तो वहाँ पे भी फॉलो कर ले। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बख़ैर, अल्लाह हाफिज़।